आपके मेल आईडी में ऐसे कितने ईमेल्स हैं जो आपने कभी ओपन भी नहीं किए? कितने ऐसे ईमेल्स हैं जो इंपॉर्टेंट नहीं है तो उसे इग्नोर कर दिया? और अगर मैं आपको बताऊं कि ऐसा हर ईमेल एनवायरनमेंट को पॉल्यूट कर रहा है तो हाय, आई एम मनोज रमात्री और आज मैं आपको बताऊंगा कि यूजलेस ईमेल्स को डिलीट करना जरूरी क्यों है और कैसे कैसे कुछ छोटे स्टेप से हम एनवायरनमेंट पे इसका नेगेटिव इंपैक्ट कम कर सकते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी मेल आईडी पे जितने भी ईमेल्स होते हैं वो एक्चुअली में स्टोर कहाँ होते हैं? एक्चुअली इन ईमेल्स को वर्ल्ड के अलग अलग कॉर्नर्स में सर्वर्स पे सेव किया जाता है और इन सर्वर्स को चलाने के लिए काफी इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है और आज भी ज्यादातर जगह पे इलेक्ट्रिसिटी फॉसिल फ्यूल से ही जनरेट होती है जिससे एक्सट्रीम्स में एयर पॉल्यूशन होता है। सो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ईमेल से CO2 जनरेट होता है जिससे एनवायरमेंट को नुकसान पहुंच रहा है। अकॉर्डिंग टू स्टडीज एक स्पैम मैसेज अराउंड 0.3 ग्राम्स कार्बन डाइऑक्साइड एमिट करता है। नॉर्मल ईमेल 4 ग्राम्स और अटैचमेंट के साथ वाले ईमेल्स अराउंड 50 ग्राम्स तक कार्बन डाइऑक्साइड एमिट करते हैं। अब सुनने में ये एक छोटा सा नंबर लगता है ना, बट अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स अराउंड 60 बिलियन स्पैम मेल्स एक दिन में सेंड किए जाते हैं। दैट्स राइट, 60 बिलियन, विच मींस 18 लाख किलोग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड सिर्फ हमारे यूजलेस मेल से जनरेट हो रहा है। एंड ट्रस्ट मी, दैट रियली नीड्स टू चेंज। तो हम क्या कर सकते हैं? ये कुछ आसान से तरीके हैं जिससे हम एनवायरनमेंट को पॉल्यूट होने से बचा सकते हैं। डिलीट यूजलेस ईमेल्स। आज अभी इसी वक्त अपनी ईमेल आईडी में थोड़ा सा टाइम स्पेंड करें और जो भी अनवांटेड ईमेल्स हैं उन्हें एज सून एज पॉसिबल डिलीट कर दें, सो दैट सर्वर से ये डेटा डिलीट हो जाए और कार्बन डाइऑक्साइड एमिट होना कम हो सके। डिलीट योर स्पैम्स। सबसे पहले तो अपने मेल में स्पैम्स को रेगुलरली डिलीट करते रहिए। ये सिर्फ 5 मिनट का काम है। आप इस तरह से सारे स्पैम्स को सिलेक्ट करके डिलीट कर सकते हैं। सिलेक्ट ऑल करने से पहले चेक जरूर कर लें कि गलती से इसमें आपका कोई इंपॉर्टेंट मेल तो नहीं है। अनसब्सक्राइब अनवांटेड ईमेल्स। कई बार कुछ परचेज करते हुए जाने अनजाने में हमसे न्यूज़लेटर सब्सक्रिप्शन टिक रह जाता है या फिर कई कंपनीज अपने प्रमोशनल ईमेल्स भी भेजती रहती हैं, तो अगर आप इन ईमेल्स को देखते भी नहीं है तो बेटर नहीं होगा कि इनको अनसब्सक्राइब कर दें? ऑलमोस्ट हर मेल के एंड में ये एक छोटा सा अनसब्सक्राइब लिखा होता है। आपको इसी पे क्लिक करके कोई भी रीजन देना है और अनवांटेड ईमेल्स को अनसब्सक्राइब करना है। इससे आपके पास उस ब्रांड के प्रमोशनल ईमेल्स आना बंद हो जाएंगे। टर्न ऑफ सोशल मीडिया मेल नोटिफिकेशंस। अगर आज भी आपको सोशल नेटवर्क से नोटिफिकेशन के ईमेल्स आते हैं तो अभी के अभी उसे डीएक्टिवेट कर दें। ज्यादातर ये सेम नोटिफिकेशन अब एप्स में भी आते हैं, तो अगर आपको इन नोटिफिकेशन मेल्स की एक्चुअल में जरूरत है तभी इन्हें एक्टिवेट रखिए, वरना इसे अभी के अभी डीएक्टिवेट कर दीजिए। इसमें सिर्फ 1 मिनट लगेगा। क्लीन योर जंक ईमेल्स टू। कई ईमेल आईडी प्रोवाइडर्स डिलीटेड मेल को भी 30 डेज तक ट्रैश ईमेल्स में रखते हैं। अपना इनबॉक्स क्लीन करने के बाद ट्रैश को भी एम्प्टी जरूर कर दें, सो दैट इन मेल से नेक्स्ट 30 डेज के लिए भी हम कार्बन इमिशन अवॉइड कर पाए। क्लीन योर इनबॉक्स व्हेनेवर पॉसिबल। हम फ्री टाइम में कई बार सिर्फ वीडियो स्वाइप करते रहते हैं। अगर वीक में सिर्फ एक बार हम अपने ईमेल्स चेक करने लगे और उन्हें क्लीन करते रहें तो अपने प्लेनेट पे हम इसका नेगेटिव इंपैक्ट जरूर कम कर पाएंगे। ये कुछ ऐसे स्टेप्स हैं जिससे डिजिटली हम घर पे बैठे बैठे इको फ्रेंडली लाइफस्टाइल के एक स्टेप और क्लोज आ सकते हैं। हाँ, शायद इस छोटे से स्टेप से क्लाइमेट चेंज तो नहीं रोका जा सकता, पर ऐसे कई छोटे छोटे स्टेप से हम अपना कार्बन फुटप्रिंट जरूर कम कर सकते हैं। अगर हम सब मिलके अपने छोटे छोटे स्टेप्स का ध्यान देंगे तो एनवायरनमेंट पे नेगेटिव इंपैक्ट जरूर कम कर पाएंगे। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। सी यू नेक्स्ट वेडनेसडे। हम ऐसे ही एनवायरनमेंट अवेयरनेस पे फिल्म्स बनाते हैं, तो अगर आप एनवायरनमेंट को लेकर थोड़ा सा भी सीरियस हैं और उसे सेव करना चाहते हैं तो आप इको फ्रीक्स नाम के फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें हम ऐसे लोगों की कम्युनिटी बनाना चाहते हैं जो एनवायरनमेंट के बेटरमेंट के लिए कुछ कर रहे हों। तो अगर आप किसी ऐसे को जानते हैं या आप खुद कुछ ऐसा कर रहे हैं तो आप इस ग्रुप में जाके पोस्ट कर सकते हैं, सो दैट और लोगों को इसके बारे में पता चले। लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। थैंक यू एंड टेक केयर।